फैशन शोज बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के बिना अधूरे होते हैं। कंगना रनौत से सुष्मिता सेन तक बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस रैंप वॉक करती हैं, लेकिन कई बार वॉक करते हुए उनके पैर लड़खड़ा जाते हैं। चलिए बताते हैं आपको ऐसे ही कुछ खास किस्से। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का फैशन शोज में वॉक करना कोई नई बात नहीं है, अक्सर वो बड़े बड़े डिजाइनर्स के शो का हिस्सा बनती हैं। वैसे तो उनकी वॉक बहुत शानदार होती है, लेकिन कभी कभी आउटफिट या फुटवेयर के चलते उनके कदम भी लड़खड़ाने लगते हैं। ऐसे मूवमेंट कैमरे में कैद हो जाते हैं और एक्ट्रेसेस का काफी मजाक भी उड़ता है। ऐसे ही एक्ट्रेस यामी गौतम ने लैक्मे फैशन वीक में गौरी नैनिका के वन शोल्डर गाउन पहने वॉक किया। इस दौरान उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिरते गिरते बची। ठीक इसी के बाद व्हील्स लाइफस्टाइल इंडिया फैशन वीक 2014 में कंगना ने नम्रता जोशीपुर के स्ट्रैपलेस ब्लैक गाउन में कैटवॉक किया था। इस दौरान वो अपना संतुलन खो बैठी और फिर उन्होंने गाउन संभाल के वॉक किया था। ऐसे ही पूनम ढिल्ली ने विक्रम फडनीस के लिए रैंप वॉक किया। इस दौरान साड़ी में वॉक करते हुए वो बुरी तरह से गिर गई थीं और ये सारी वाकया कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके बाद उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल किया गया था। ठीक इसी के बाद दबंग एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा गोल्डन मेटलिक गाउन में रैंप वॉक करने उतरी। इसी दौरान उनका पैर गाउन में फंस गया और बुरी तरह सोनाक्षी सिन्हा स्टेज पर गिर पड़ी। अब बात आती है बॉलीवुड की सबसे हॉट क्वीन की। रैंप वॉक के लिए जैसे ही सुष्मिता सेन रैंप पर उतरी तो उनका थाई हाई स्लिट गाउन उनके फुटवेयर में फंस गया। इससे पहले ही कुछ अनहोनी होती उन्होंने किसी को बुलाकर अपना गाउन ठीक करवाया और फिर कॉन्फिडेंस के साथ वॉक किया। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी खबरों के साथ। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए PMS मीडिया।